इसके गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया भाई। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपने अपने जीवन में मस्त होगे। तो दोस्तों, ये मेरा लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग है। जी हाँ, ये मेरा लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग है दोस्तों। मैंने कई सारा माय फर्स्ट ब्लॉग ट्राई किया लेकिन उसमें कुछ सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन इस बार आशा करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करोगे और ज़रूर मुझे प्यार दिखाओगे। तो दोस्तों, होता है कि कोई भी क्रिएटर को आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी का सपोर्टर को ज़रूरत पड़ता है, और मुझे भी आगे बढ़ने के लिए मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करोगे। तो दोस्तों, ये है मेरा लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग। इन सब बातों को साइड रखते हुए मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि और मैं झारखंड के एक छोटे से ज़िले गिरिडीह से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, मेरा रही बात एजुकेशन की, तो मैंने लास्ट 10th तक ही पढ़ाई की हुई है। उसके बाद मैं अपना घर पे ही रहता हूँ और घर में ही काम करता हूँ, और घर के मतलब कुछ काम में हाथ बटाता हूँ अपने घर वालों का। और फिलहाल तो मैं अभी आया हुआ था अपने घर के पीछे साइड के एक जो खेत साइड में है, वही उधर ही घूमने आया था पूरी साइड में। और मैं अकेले नहीं, मेरे साथ कुछ दोस्त सब है, देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आज है 29 नवंबर और आज जो मेरा ब्लॉग है वो कंटिन्यू होने वाला है। मैंने सोचा और चैलेंज लेने की ठानी हुई है कि पूरा 365 डेज का मैं चैलेंज लूँगा, और मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए, आज का जो माय फर्स्ट ब्लॉग है, मेरा जो पहला दिन का जो ब्लॉग है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा जो आज फर्स्ट डे है एंड फर्स्ट ब्लॉग जो है वो कैसा जाता है, कैसा बीतता है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देख सकते हो दोस्तों, हम लोग 3 दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे। एक मेरा ही गांव का है, ये पिंटू, देन ये जो है हमारा बोकारो का एक दोस्त है, इनका नाम विपिन है, ये आया हुआ है हम लोग का गांव घूमने के लिए। और अरे पिंटू भाई, हम लोग, मैंने कहा इस बता दूँ कि मैं बहुत सारा चैनल मैंने मतलब ट्राई किया, बहुत सारा वीडियोज भी ट्राई किया लेकिन किसी में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं लास्ट में, और मेरा तो एक जो चैनल था वो डेड हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप चेक कर सकते हो वहाँ से, मेरा डेड हो चुका है, वो चैनल पूरा ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद मैं ये चैनल को कल ही क्रिएट किया और आज से इसमें ब्लॉग बनाने का चालू कर रहा हूँ। तो इसमें रेगुलर ब्लॉग आएगा और डेली वीडियो देखने को मिलेगा, कॉमेडी एंड शॉर्ट ब्लॉग भी देखने को मिलेगा इस चैनल पर। तो चलिए, आज भी तो हम लोग यहाँ पर तीनों बैठे हुए हैं और अभी अमित भी आने वाला है यहाँ पर, उससे भी मिलवाऊँगा मैं। देन अभी यहाँ पे हम लोग सबको यहाँ देख सकते हो, ये हमारा गांव का एक बगल का गांव का जो छोटा सा बस्ती है, छोटा सा बस्ती बहुत छोटा है, वो बस्ती साइड में हम लोग यहाँ पे, यही बस्ती का एक स्कूल है, छोटा मोटा सरकारी स्कूल, और ये बस्ती ज़्यादा बड़ा नहीं है। देन ये वाला बस्ती हमारा है, ये साइड का जो बस्ती है वो हमारा है, और ये साइड वाला बस्ती दूसरा किसी का है। तो देख सकते हो जॉइंट है दोनों बस्ती, अभी तो इधर ही हैं हम लोग, चलते हैं घर साइड में और देखते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था, मैं हम लोग यहाँ पे धूप सेकने के लिए बैठे हुए हैं, देख सकते हो। क्या तुम लोग को ठंड लग रहा था? ठंड लग रहा था भाई, इसलिए यही लोग पहले ही आया हुआ था, फिर हमको फ़ोन किया, फिर हम यहाँ पे इधर तो इधर से धूप आ रहा है, तो इधर से हम लोग का थोड़ा जो चेहरा है वो थोड़ा डिफरेंस मतलब चमक रहा होगा, इग्नोर कीजिएगा। एक बार फ़ोन करते हैं अमित को, पूछते हैं कि ठीक है भाई। सो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये देख सकते हो अमित भी आ चुका है, ये बेचारा अभी बहुत टेंशन में है थोड़ा। अच्छा है, जो करना है वो करना है। टेंशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता दोस्त। इसके गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया भाई, मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। अभी किसी के साथ शायद लड़ाई हो चुका है, वो कौन है नहीं कर सकते हैं, विपिन बता सकता है कि इसका ये क्लोजली दोस्त है, बताओ क्या हुआ है? पता है सबको लेकिन कोई बता नहीं रहा है इन लोग दोनों, ताकि लेकिन हाँ इतना जानते कि गर्लफ्रेंड इसका नहीं है।
आज अमित चल जाएगा गाइस हम लोगों को छोड़ के। ये भगवान क्या जुलूम है, मतलब कहीं दूसरा जगह नहीं जाने वाला अपना भैया के पास। तो इसका जो टिकट है वो बन चुका है, कल बना चुके हैं इसका टिकट, बहुत खराब जाएगा ये। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से घर चल रहे हैं, देख सकते हो, चलते हैं। चलो अभी पिंटू चलाएगा बाइक, चलो देख लेना भाई। ये है मेरा गाइस, देख सकते हो, और जो मेरा पहले चैनल का नाम था वो देख सकते हो यहाँ पे, ब्लॉगर ऋषि कुमार, कुमार को सब बच्चा सब उठार दिया, बच्चा ऋषि, ब्लॉगर ऋषि। तो चलते हैं अभी घर, और जो बाकी का हमारा जो काम बचा खुचा है वो करते हैं। चलिए हम लोग देख सकते हो यहाँ से पूरा जो बांस का जंगल है वो जंगल के बीचों बीच से एक रास्ता गया हुआ है, वही रास्ता में जा रहे हैं। ये है गाइस देख सकते हो अमित का घर। गाइस अभी घर आ चुके हैं और मेरा काम ये है इसको फेंकना है छत पे, मैं बहुत सारा फेंका भी हूँ सवेरे के टाइम में, अभी फेंकते हैं इसको, ज़्यादा तो है नहीं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है उसको फेंकेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे मस्त, उसके बाद फिर खाना ना खाना है। चलिए इसको फेंकते फटाफट से। तो दोस्तों फाइनली मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, देख सकते हो बहुत बहुत मेहनत के बाद, करीब एक घंटा लगा मेरे को पूरा फेंकने में, पूरा था वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा भरा हुआ था, उसको धीरे धीरे करके फेंक दिया ऊपर, और अभी मैं बहुत थक भी गया हूँ और प्लस मैं बहुत चीज़ भूख भी लगी है। चलते हैं अभी, सबसे पहले नहाना धोना है, फ्रेश होना है, उसके बाद खाना वाना खाना है, फिर बाकी का काम देखा जाएगा बाद में। सबसे पहले अभी लेकिन जाना नहाना है, फ्रेश होना है, उसके बाद खाना खाना है। चलिए सबसे पहले खाना खाते हैं, बाकी ये सब जो रहा वो मम्मी उठा लेगी और गाय को दे देगी। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले नहाने मिलते हैं, नहाने धोने। तो फाइनली गाइस अभी नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ और अभी बहुत चीज़ की भूख लगी है। तो चलिए सबसे पहले खाना वाना खाते हैं, फिर बाकी करेंगे बाद में, और टाइम भी हो चुका है अभी करीब करीब ढाई, मैं 2:30 बजे ही खाना खाता हूँ। चलिए अभी सबसे पहले खाना खाते हैं, फिर बाकी का काम करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो अभी हमारा खाना आ चुका है, चावल दाल और ये आलू और सीम का सब्जी है। तो चलिए हम इसको मस्त से खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फाइनली गाइस अभी मैंने खाना वाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद मैं कुछ देर तक सो गया था, नींद आ गया था मेरे को। तो अभी करीब करीब शाम के दोपहर के करीब 3:30 बज चुके हैं, और अभी जस्ट फ़ोन आया, उसके बाद मैं फ्रेश हुआ, उठा, उसके बाद फिर शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मेरे को जाना है घर के बाहर, और बुलाया पिंटू, वहीं चलते हैं अभी। तो चलिए मिलते सीधा बाहर। सो दोस्तों अभी मैं ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते फ़ोन करते करते लास्ट में मैं आया हूँ अभी नदी साइड में, देख सकते हो, और पिंटू यहीं पे काफ़ी देर से बैठा हुआ था, और मैं ये फ़ोन किया मेरे को लगभग आधा घंटा पहले, तो मैं इसको फ़ोन किया फिर से, कहाँ पे है बताओ, फ्रेश हुआ फिर आया इधर, अभी यहीं पे बैठेंगे हम लोग करीब 1-1.5 घंटा, फिर चलेंगे फिर यहाँ से। अभी देख सकते हो इधर भाटा उठा लग रहा है उस साइड में, उधर भाटा उठा अभी लगने का, ठंड के मौसम में ये सब ज़्यादातर होते रहता है, ठंड के मौसम में भाटा उठा लगते रहता है। और ये हमारा नदी देख सकते हो, नदी हमारा जो है वो उपलुप्त होने के तदार में है। तो गाइस देख सकते हो क्या कि इधर पहले पूरा इधर इधर पानी रहता था, लेकिन अभी नहीं है, पूरा ख़त्म हो चुका है नदी। गाइस ये जो व्यूज़ है ना, ये जो व्यूज़ बहुत मस्त लगता है देखने में, इधर से पानी बहता हुआ आता है, इधर से 2 पेड़ है 3 पेड़ है, इधर से आता बहता हुआ पानी बहुत मस्त लगता है देखने में। सो दोस्तों हम लोग यहाँ तो बहुत देर तक बैठे, लगभग 2 घंटा हम लोग बैठे यहाँ पे, और अभी शाम के करीब करीब 5 बजने वाला है। तो अभी तो हम लोग चलेंगे घर वापस से, और आज का जो ब्लॉग है वो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये जो ब्लॉग है ब्लॉग अच्छा लगा हो,
तो दोस्तों इस ब्लॉग में थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाना और थोड़ा सा प्यार भी दिखाना। ऐसे कंटिन्यूस रेगुलर ब्लॉग लाता रहूँगा मैं, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, वो दिखाते रहना, प्यार देते रहना और सपोर्ट बनाए रखना, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए कल का जो ब्लॉग है वो उसके ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ क्या काम करता हूँ और कहाँ पे काम करता हूँ वो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल में नया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।